अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सर्व कर्मचारी संघ ने कर्मचारी विरोधी सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोलते हुए चेताया कि सरकार ने कर्मचारी को राहत देने के लिए विधानसभा में विधेयक लाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में MSP दायर करने की बात की है। उससे खपा कर्मचारी वर्ग आने वाले चुनावों में सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। जो चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, कर्मचारी वर्ग भी लामबंद होकर अपनी मांगों को समय रहते मनवाने के लिए संगठनों के जरिए दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। आज सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले जिला के कर्मचारियों ने सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ जुलूस की शक्ल में GT रोड पर पैदल मार्च करते हुए लघु सचिवालय तक प्रदर्शन कर सरकार के विरोध में नारेबाजी की। सरकार से नाराज कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार मौजूदा विधानसभा सत्र में बिल पास कर कर्मचारी को राहत दे सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा ना कर सुप्रीम कोर्ट में MSP दायर करने की बात कर कर्मचारियों को धोखा दे रही है, जिसका खामियाजा आने वाले चुनाव में उठाना पड़ेगा। ने आज पूरे हरियाणा में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करते हुए सरकार को चेताया है कि सरकार ने जो हाई कोर्ट से प्रभावित जो कर्मचारी थे उनके लिए विधानसभा में लाने के विधेयक लाने के लिए कहा था, लेकिन उस वायदे से पीछे हटते हुए अब सुप्रीम कोर्ट में जो SLP दायर करने की जो बात कही है, इस BJP को ये जो कर्मचारी वर्ग ये सिखाएगा बताएगा कि आगे का रास्ता चुनाव में आने के लिए इतना आसान नहीं है। SLP दायर ये कर उन लोगों के लिए करेंगे जिनके रोजगार जा रहे हैं। आज हम इनके लिए जो चुनाव आएंगे उनके उसमें SLP हम दायर कर देंगे इनकी। पानीपत से मदन बरेजा की रिपोर्ट, हर न्यूज हरियाणा।